आइए सीखे 10 ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है और जिसका ट्रांसलेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आइए एक एक करके सीखे वो 10 सेंटेंसेस जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में बोलना होता है चूल्हे भाड़ में जाओ। तो अगर आपको कहना हो चूल्हे भाड़ में जाओ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो टू ब्लेजेस। अगर आपको कहना हो जख्म पर नमक न छिड़को तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जख्म पर नमक न छिड़को। कई बार लोग इस सेंटेंस के जगह पर ये भी कहते हैं जले पर नमक न छिड़को या घाव पर नमक न छिड़को। तो चाहे आपको कहना हो घाव पर नमक न छिड़को या जले पर नमक न छिड़को या जख्म पर नमक न छिड़को, आप यही सेंटेंस बोलेंगे डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अगर आपको कहना हो नुक्ता चीनी मत करो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट पिक होल्स इन अदर्स कोट, यानी नुक्ता चीनी मत करो। अक्सर आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं ज्यादा बनो मत या ज्यादा बनो नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट मेक मच ऑफ योरसेल्फ, यानी ज्यादा बनो नहीं या ज्यादा बनो मत। अगर आपको कहना हो मुंह मत लटकाओ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, यानी मुंह मत लटकाओ। कई बार आपको अपने डेली लाइफ में कहना पड़ता है वह मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गेव अ बी फिटिंग रिप्लाई, यानी वह मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आपको कहना हो वह अपने बॉस की मुट्ठी में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is under the thumb of his boss, यानी वो अपने बॉस की मुट्ठी में है। मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I will catch you red-handed, यानी मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूंगा। अक्सर आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं क्या तुम्हारा सर फिर गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Have you a screw loose, यानी क्या तुम्हारा सर फिर गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी सेंटेंसेस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।